संघ प्रमुख मोहन भागवत आज कस्तूरबा गांधी स्थित मस्जिद में आए थे और यहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा वक्त भी बिताया। क्या बात हुई, किस तरीके से मुलाकात हुई, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उमर इलियासी साहब मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि अब कितने बजे मोहन भागवत जी आए थे? देखिए, मोहन आदरणीय मोहन भागवत जी जो कि सुबह मेरे जाति निमंत्रण पर आज यहाँ इमाम हाउस में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर आए, वो पहली मर्तबा इमाम हाउस में आए और पहली मर्तबा किसी मस्जिद में पहुँचे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मेरा चूँकि पारिवारिक जाति निमंत्रण था तो पारिवारिक हमारा आपस में मिलना हुआ, डेढ़ घंटे हम लोग साथ रहे। उसके बाद वो यहाँ से फिर मैंने उनको एक निमंत्रण और दिया था मदरसे का, जो कि आज़ाद मार्केट में एक मदरसा है, मदरसा तजवीदुल कुरान, जो कि 1948 का है। तो मेरे उस निमंत्रण को भी उन्होंने स्वीकार किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं, आभारी। उनको लेकर हम यहाँ रहे, यहाँ से फिर हम उनको मदरसा गए। मदरसा में 300 बच्चे लगभग रहे और 300 बच्चों के साथ उन्होंने एक आपस में इंटरेक्ट किया, बच्चों के साथ उनकी वार्तालाप हुई। बच्चों से उन्होंने पूछा, भाई आप क्या बनना चाहते हो? तो एक ने बोला इंजीनियर, उन्होंने एक से पूछा, उसने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक ने बोला कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप जो भी बनेंगे अच्छी बात है, आपको बनना चाहिए और देश के लिए आप अपने एजुकेशन को देश के लिए लगाएं, आप जो भी पढ़ें वो अपने देश के लिए, जो भी कुछ करें दूसरों की भलाई के लिए, हमारा देश आगे बढ़े, हम सब बच्चे आप आगे जाओ, ऐसा उनकी दुआ भी थी। बच्चों ने कुरान की आयतें भी पढ़कर उनको सुनाई बताया गया? जी, उनको जो है प्रार्थना हमने पढ़ी थी और वो हिंदी में थी प्रार्थना, और चूँकि जो प्रार्थना हमने पढ़ी, चूँकि उनको समझ में आना चाहिए, मकसद ये था, और वहाँ पर एक अच्छा माहौल रहा। बच्चों से उन्होंने जनरल नॉलेज की भी बातें पूछी कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है? ये सब बातें उन्होंने उनसे पूछी, बच्चों ने जितना उनको मालूम था जितना उन बता सकते थे, लेकिन अच्छा रहा। और उनके साथ मॉडर्न एजुकेशन के बारे में भी बताया? बिल्कुल, मॉडर्न एजुकेशन चूँकि आज वक्त की ज़रूरत भी है, और जिस तरह से मदरसों के अंदर बच्चे पढ़ तो लेते हैं रिलीजियस और, लेकिन बाकी मॉडर्न एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो आगे नहीं जा पाते हैं। अगर वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, उसमें से एक बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, अगर उसके पास मॉडर्न एजुकेशन नहीं होगी तो बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर कैसे बनेगा? तो ये मकसद था उन बच्चों को समझना, वो देखने गए थे मदरसा कैसा होता है, चूँकि अपने जीवन में पहली मर्तबा किसी मदरसे में गए और जीवन में पहली बार किसी मस्जिद में यहाँ पर आए हैं। उन्होंने मस्जिद को देखा, उन्होंने देखा कैसे इबादत होती है, कैसे नमाज पढ़ी जाती है और कैसे मदरसों में बच्चे रहते हैं। तो एक बहुत आज का बहुत एक अच्छा संदेश गया है। आपने उनको राष्ट्रपिता कहकर भी संबोधित किया, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं उनको राष्ट्रपिता इसलिए देखता हूँ क्योंकि वो उनका जीवन प्रचारक जीवन, जो प्रचारक होते हैं आरएसएस के, वो शादी भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ समर्पित होते हैं अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं और राष्ट्र के लिए ही मरते हैं। अब जब राष्ट्र के लिए ही जी रहे हैं, राष्ट्र के लिए मर रहे हैं, उनका अपना जीवन देश के लिए, तो क्या उनको हम राष्ट्रपिता क्यों नहीं कह सकते? ये मेरा सवाल आपसे भी है और सबसे है, जी पूरा जीवन देश के लिए, राष्ट्र के लिए उनका है, तो इसलिए मैं। लेकिन जब मैंने उनको संबोधित किया था राष्ट्रपिता के तौर पर, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं राष्ट्र की संतान हूँ, मैं राष्ट्रपिता नहीं हूँ। लेकिन उनका ये बड़कपन था, लेकिन राष्ट्रपिता वो हैं और मुझे लगता है कि आज जो हमने उनको कहा है वो सही है। हमारे देश में अमूमन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने पूछा कि आपको लगता है कि वो उस कद के आगे? बिल्कुल, राष्ट्रपिता हैं, मेरा मानना है। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि उनके आने, मस्जिद में आने के प्रकरण को किस तरीके से आप देखते हैं, मतलब आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि इससे मैसेज एक बढ़िया जाएगा, मतलब दोनों कौम में, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, या इसका देश के अलावा विदेश में भी मैसेज नहीं, जाएगा? इसका पूरी दुनिया में जाएगा। अभी जिस तरह से इंग्लैंड के अंदर हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ, उसके ऊपर एक अच्छा असर पड़ेगा, देश में तो पड़ेगा। एक ये संदेश गुडविल है, ये गुडविल क्या है, एक दूसरे के आना, एक दूसरे के जाना। जब हम एक दूसरे के पास आएंगे जाएंगे, जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, तो जब संवाद होता है, जब डायलॉग होता है, तो उससे क्या होता है, गलतफहमी दूर होती है। जब गलतफहमी दूर होती है तो आपस में नज़दीकी बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि नज़दीकी आने के लिए एक दूसरे के यहाँ आना जाना करना चाहिए। और दूसरा हमने शुरू किया, आज हमने एक बात का भी ऐलान किया है कि गुरुकुल और मदरसा का एक्सचेंज प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं। मदरसा गुरुकुल जाएगा,
तीन दिन के लिए, और तीन दिन मदरसे में गुरुकुल के आएंगे बच्चे, और मदरसे के बच्चे तीन दिन गुरुकुल में रहेंगे, ये एक्सचेंज प्रोग्राम चलेंगे, एक दूसरे को सीखेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपने उनको ऋषि पुत्र की भी एक तरह से संज्ञा दी, कहा कि महाऋषि की तरह। बिल्कुल, वो राष्ट्र ऋषि भी हैं, क्योंकि मैं उनको एक अपना एक संत मानता हूँ। उनका जो जीवन है, उनका जो रहन सहन है, अगर आप देखेंगे उनकी जो सरलता है, वो एक इस तरह की है कि वो राष्ट्र ऋषि भी हैं। तो ये जो गुरुकुल एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये कब से शुरू कर रहे हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत होगी? इसकी शुरुआत ये मेरी जाती है, इसमें किसी का दखल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसको जल्द से आने वाले वक्त में मैं इसको शुरू कर दूंगा। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से उन्होंने एक ग्रुप बनाया है खास करके RSS में, कि कुछ लोगों को एक जिम्मेवारी दे दी है कि आप जो है मुस्लिम स्कॉलर्स से, मुस्लिम उलेमाओं से जाके मिलें, अगर किसी बात पे कोई गलतफहमी है या जो कुछ भी है उसको दूर करें, तो इसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है ना, डायलॉग तो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर डायलॉग होने से गलतफहमी दूर होती है तो एक अच्छा कदम है। मैं इसको सराहता हूँ, और इसके लिए मैं कहूँगा कि ये संवाद पूरे भारतवर्ष में बढ़े। एक निजी सवाल, आपके लिए कुछ लेके आए थे कि नहीं? वो मेरे लिए, वो लेके आए थे प्यार, वो लेके आए थे सम्मान जो मुझे मिला। तो निश्चित रूप से कहते हैं कि प्यार और सम्मान से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, और मोहन भागवत का आना ही एक बहुत बड़ी बात है जिसकी बात सब लोग कर रहे हैं। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9।